आवाम हो जाए तैयार, दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे। 6000 रुपए के दरामदी मोबाइल पर 100 रुपए जबकि 1.5 लाख रुपए मोबाइल पर 16000 टैक्स देना होगा। कारोबारी हजरात कहते हैं मोबाइल के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। मोबाइल सेट चाहते हैं कीमती तो जेब करनी होगी हल्की, इम्पोर्टेड मोबाइल पर लगा लेवी। बजट में हुकूमत ने अपनी ज़राए आमद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से टैक्स आयद किए जिसमें हर खास आवाम की जरूरत मोबाइल फोन सेट भी हैं। इम्पोर्टेड सेट इस्तेमाल करने का अमूमी रुझान होने के बाइस सार्फीन की तरजीह भी यही होते हैं। बजट में हुकूमत दरामदी मोबाइल सेट पर 100 रुपए से 16000 रुपए तक का टैक्स आयद करने जा रही है। 6000 वाले मोबाइल सेट पर 100 रुपए तो 1.5 लाख वाले मोबाइल पर 16000 लेवी आयद करने की तजवीज़ है। शहरियों का मानना है कि मुल्की अखराजात की मद में बोझ आवाम नहीं उठाना है, अशियाए जरूरिया हो या फिर जिंदगी का लाजमी जुज। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड मेरी फील्ड है, अब अगर ये इस तरह की मतलब जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए मुश्किलात जो वो डे बाय डे इंक्रीज होती जाएंगी। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल रखें, टैक्स इतने हो गए हैं, हर चीज पे टैक्स है तो बहुत मुश्किल में हर इंसान। इजाफे पर ताजिर के साथ साथ सारिफ भी परेशान हैं, कहते हैं अक्सर दरामद सेट पर ही कारोबार हो रहा है। इजाफी लेवी से फरोख पर मनफी असर यकीनी है। जो मोबाइल हम बेचते थे 31-32 हज़ार रुपए का, 33 हज़ार रुपए का, 38-40 हज़ार रुपए का हो गया, वो कारोबार पे काफी असर पड़ेगा। अभी जो जितने भी मोबाइल है ना, जितने का मोबाइल होता है उसे डबल टैक्स है। हमारे पास अभी फोन पड़ा हुआ है, ये तकरीबन हम लोग बेचते हैं 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, इस पे उन्होंने 1 लाख रुपए टैक्स कर दिया। इस वक्त मुल्क में 33 से ज्यादा मोबाइल स्मगलिंग प्लांट काम कर रहे हैं जबकि 19 मोबाइल कंपनियों को लाइसेंस जारी हुए हैं।